हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की बात यहाँ पर कही गई है, सुझाव दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, और ये कहा गया है कि संसद में बिल लाकर राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, गायों के कल्याण से देश का कल्याण होगा। ये बात हाईकोर्ट ने कही है और ये भी कहा है कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से न देखा जाए, गायों का सम्मान हर देशवासी का फर्ज है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेंद्र, गायों को लेकर एक अहम सुझाव यहां पर हाईकोर्ट ने दिया है, क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम सुझाव आया है गाय को लेकर। हाईकोर्ट ने वैदिक पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व को सामाजिक विशेषता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारत में गाय को माता मानते हैं या हिंदुओं की आस्था का विषय है, आस्था पर चोट देश को कमजोर करता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, जीव के स्वास्थ्य के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि की उपयोगी है, इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये सुझाव दिए हैं। जी धीरेन्द्र, कोई याचिका थी, कोई मामला यहाँ पर कोर्ट में गया था जिसके जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बातें कही, या फिर स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद ये बात ये सुझाव दिया हाईकोर्ट ने? देखिए, ये पूरा मामला संभल के जावेद अहमद है, उनकी जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं, जो न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने ये आदेश दिया है। ये पूरा मामला 2021 का है, जो जेल में बंद है, उन्हीं की जमानत याचिका की सुनवाई में ये सुझाव दिया है। धीरे, लेकिन जिस तरह से देश में गायों को लेकर पहले भी चाहे सियासत होती आई, चाहे हिंसा होती आई, तमाम चीजें आई, और गौशालाओं को लेकर जिस तरह से योगी सरकार ने तमाम फैसले भी लिए, ऐसे में ये सुझाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, एक नई बहस को फिर से यहाँ पर शुरू कर दिया हाईकोर्ट के इस फैसले ने। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है और तमाम टिप्पणियां की है, कोर्ट ने भी कहा है कि 29 में से 24 राज्य गौवंश प्रतिबंध है, एक गाय जीवन की काल में 410 लोगों से लेकर 440 लोगों के भोजन जुटाती है और गोमांस से केवल 80 लोगों का पेट भरता है। इस तरह की तमाम टिप्पणियां करते हुए राजस्थान की एक चौपाई का भी उसमें जिक्र किया गया है, तो अहम ये सुझाव दिया है गाय को लेकर हाईकोर्ट ने। जी धीरे, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। संसद में बिल पास करके गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करना चाहिए और हमारा सबका ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिए कि गाय की गोहत्या बंद होनी चाहिए पूरी तरह से, और संसद में जो भी कानून पास किए जाएं इस संबंध में उसको सरकार की यह प्राथमिकता हो कि इसको पूरी तरह से लागू कराया जाए अपने कानून को। गाय महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान ने अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में इस बात का उपबंध किया है कि राज्य सरकारें गो संवर्धन के लिए कानून बनाए और गायों की वध किए जाने पर कठोरता से कानून बनाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध स्लॉटर हाउस सरकार आते ही योगी आदित्यनाथ जी ने बंद कराने का काम किया है। आज गायों के पालन के संवर्धन के लिए हमने अलग अलग नियम भी बनाए हैं, गौशालाएं बनाई हैं, जो तमाम अवैध जमीनें थी, जो भूमाफियाओं के कब्जे में थी, जो गौचर की जमीनें थी, गौशालाओं की जमीनें थी, उनको मुक्त करा करके बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाई हैं। हाईकोर्ट का निर्णय बहुत सराहनीय है और सरकार इस निर्णय के अधीन पहले से ही कई सारे प्रयास कर रही है। ये बिल्कुल सही है, गाय हमारी माता है और हम समाजवादी तो गाय अपनी माता को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते, बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती, इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। हाईकोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं कि हाईकोर्ट ने इस तरीके का फैसला लिया है, क्योंकि हम तो पहले से ही इस चीज को कहते चले आ रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। चलिए देर सही बढ़ते आगे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर विकास भवन में स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी के, बता दें आपको,
दफ्तर में मानवता शर्मसार हुई है। अधिकारी